विधान पत्नी हमारी माँ श्रीमती सीता लकड़ा जी, जिला परिषद पूर्वी नामकुम पप्पो जी, जिला परिषद सदस्य नामकुम श्री रामावतार करकटा जी, मुखिया सुग्रह पंचायत लक्ष्मी कुमारी जी, पंचायत समिति सदस्य सुग्रह रीता रंजनी कुमार जी, विधायक के श्री प्रकाश लकड़ा जी, पूर्व मुखिया बड़ाम अर्जुन कुमार जी, वार्ड सदस्य सुग्रह पंचायत रोहित देवी जी, समाज सेवी श्री सरोज खान साहब, वार्ड सदस्य सुग्रह पंचायत और ये किक ऑफ रेफरी स्टेट रेफरी फरीद खान। पहला गोल मारने वाली टीम को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, किसी एक खिलाड़ी को नहीं। मौका बनता हुआ दाहिनी छोर से बीटी 11 का, लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद बालूघाट के। मध्यांतर से पहले का खेल जारी, दोनों ही टीमें 0-0 की बराबरी पर। जो दर्शक अभी अभी मैदान में आए हैं, अच्छा मौका बन सकता है बॉक्स के बिल्कुल नजदीक, लेकिन डिफेंडर वहां मौजूद, काउंटर बनाने की तैयारी में बीटी 11 की टीम। बॉल पोजीशन बीटी 11 के पास, काफी दूर से साथी खिलाड़ी को ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन गेंद काफी आगे। Thank you.
दाहिनी छोर से बालूघाट का दिशा परिवर्तन, जर्सी नंबर 11 के पास गेंद, बहुत ही दूर से ढूंढा, खूबसूरत पास, लेकिन यहाँ AR2 अजिताभ की फ्लैगिंग और ऑफसाइड करा। मौका बनता हुआ बालूघाट के लिए, क्रॉस करना चाहा और यहाँ गोलकीपर के द्वारा गोल बॉक्स से बाहर, अच्छी किक लेकिन निशाने से थोड़ी ऊपर गेंद। अभी भी दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर, मध्यांतर से पहले का ये खेल जारी। अच्छा मौका बनता हुआ एक बार BT11 के लिए, जर्सी नंबर 14 गेंद के साथ विकास, बॉक्स के बिल्कुल अंदर, विकास के पास गेंद, मौका चमक सकता, अच्छा क्रॉस, लेकिन वहां गोलकीपर के द्वारा अच्छा बचाव देखने को मिला। खतरा टलता हुआ बालूघाट के खेमे से, बैक हेडर पास BT11 के गोलकीपर के लिए, रिलीज किया बाई छोर पर गेंद, फिर से एक बार मौका BT11 के लिए, बॉक्स के बिल्कुल नजदीक बाई छोर पर, काफी दूर से यह प्रयास लेकिन निशाने से थोड़ी चूके, बहुत ही दाहिनी छोर से एक अच्छा मौका, अच्छा क्रॉस, लेकिन गोलकीपर का अच्छा बचाव वहां देखने को मिला की टीम, अच्छी किक, अच्छा मौका, लेकिन वहां मौजूद और यहां रेफरी फरीद खान के विशेष और मध्यांतर आवश्यक सूचना इस मैच के तुरंत बाद आज के दूसरे मैच के लिए। फिर से मैच सेंचुरी सुनील कुजूर जी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। अब खेल की ओर रखते हुए मध्यांतर के बाद ये खेल जारी, दोनों ही टीमें 0-0 की बराबरी पर। बहुत हो जाए
सुनील के लिए काफी दूर से दिया गया पास, लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद। जर्सी नंबर 11, अच्छा पास बन सकता था यहां। अच्छी ड्रिबलिंग मनोहर। आपका बॉल है, बॉल रहे ना, आपका बॉल है इजी। या अच्छा थ्रोइंग, बिल्कुल बॉक्स के अंदर। बिल्कुल तैयार रहे। फिर से अगला जवाब मौका, जर्सी नंबर 10, अच्छा क्रॉस लेकिन गोलकीपर परफेक्ट पोजीशन पर, अच्छा कलेक्शन। बहुत ही अच्छा क्रॉस पास घनश्याम के लिए, सुंदर पास। और यहाँ कोई गलती नहीं करते हुए अपनी टीम को बराबरी पर लाकर खड़ा किया है बीटी 11 की टीम ने। बहुत ही सुंदर से दूर से दिया गया घनश्याम के लिए क्रॉस पास, घनश्याम ने हेडर पास किया और साथ ही खिलाड़ी कोई गलती नहीं। विकास नायक उनके द्वारा किया गया गोल असिस्ट, घनश्याम लोहाना के द्वारा। फिर से लाजवाब पास लेकिन गोलकीपर एडवांस पोजीशन पर। अच्छा मौका बनता हुआ बालूघाट के लिए, गलत पास कर बैठे। बीटी 11 का आक्रमण बनता हुआ माइनचोर से। बहुत ही अच्छा पास, काफी दूर से किक लेकिन थोड़े निशाने से चुके। बॉल नहीं दे।
रेफरी के विसिल के साथ ही मैच समाप्त। और अब टाई ब्रेकर का सहारा लिया जाएगा प्रगति ऑटोमोबाइल। और पहले टी के लिए तैयार बीटी लेवल के जर्सी नंबर 9 और सामने है गोलकीपर और यहां पहली गलती कर बैठे हैं बीटी लेवल के जर्सी नंबर 9 एंड्रू। और अब बारी बालूघाट खूंटी की, सामने है बीटी 11 के गोलकीपर धोना। कोई मौका नहीं धोना के पास, गोलकीपर के दाहिनी छोर पर यह सुंदर प्लेस। कोई मौका नहीं यहाँ बालूघाट के गोलकीपर बाशेद के पास, बाशेद की बाई छोर पर सुंदर प्लेस और ये लाजवाब गोल। अगली बारी बीएफसी बालूघाट खूंटी की, अच्छा मौका था यहां पर गोलकीपर के पास लेकिन तेज गति से गेंद गुजर गई। तन्वी एफसी और प्रगति ऑटोमोबाइल, आप मंच के ठीक नीचे फोर्थ ऑफिशियल टेबल के पास लाइनअप में आ जाए। मौका बन सकता था गोलकीपर के पास, थोड़ी लेट हुई और गेंद जाल से जा मिली।
चकमा देते हुए गोलकीपर के दाहिनी छोर पर लाजवाब प्लेस। अगले किक के लिए तैयार बीटी इलेवन के खिलाड़ी। और यहां रेफरी स्टेट रेफरी फरीद खान ने जानबूझकर देर करने के कारण बीटी इलेवन के खिलाड़ी को ये पीला कार्ड दिखाया। बेहतरीन अपना कॉन्सेंट्रेशन को बनाकर रखा गोलकीपर बासेद ने जोरदार प्रहार किया जर्सी नंबर 10 बीटी इलेवन के खिलाड़ी लक्ष्मण सरदार ने, लेकिन वहां गोलकीपर ने अच्छा बचाव किया। और यहां दूसरे चरण में प्रवेश करती है पहली टीम डीएफसी रिमिक्स बालूघाट खुटी की टीम। और इसके बाद के मैच के लिए मैं गुजारिश करूंगा प्रगति।